लखनऊ के अस्पताल में भर्ती उन्नाव रेप पीड़ित की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और इस बीच राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्सीडेंट में घायल हुई उन्नाव रेप केस पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। वो अभी वेंटिलेटर पर है। केजीएमयू के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि फिलहाल उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं है। पीड़ित का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। एक्सीडेंट की वजह से फेफड़ों में भी चोट आई है। उन्नाव के मामले में कल संसद से सड़क तक हंगामा हुआ। लोकसभा में गृहमंत्री से जवाब की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने इस घटना को सभ्य समाज के लिए कलंक बताया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। अगर आप ये बात कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है समाजवादी पार्टी का है, अरे ये बताइए, सोनभद्र में घटना हुई थी तब तो नेहरू जी के लिए आप कह रहे थे। सरकार आपकी, दाखिल खारिज करा रहे आप, पुलिस लोगों को मरवा रही, वो पुलिस आपकी। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उन्नाव रेप केस की जांच चल रही है और विधायक सेंगर पार्टी से सस्पेंड है। घटनाएं हुआ है, घटना में सीबीआई जांच हो रही है, उसकी सीबीआई जांच हो रही है। और दुर्घटना में जो ट्रक मालिक का नाम आ रहा है या जो ट्रक से दुर्घटना हुई है वो भी सपा के ऐसे लीडरों का नाम आ रहा है कि पूर्व में सचिव रहा है, क्या रहा है, उसकी भी जांच अवश्य होगी। और इसकी भी जांच, जो सड़क दुर्घटना उसके भी सीबीआई जांच के लिए संस्तुति हो गई है। उन्नाव रेप पीड़ित पर हमले के विरोध में मंगलवार को बिजनौर में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू इस कैंडल मार्च के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद कहा कि सबसे पहले तय किया जाएगा कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जिस दिन कोर्ट इस बारे में अपना फैसला सुनाएगा उसी दिन कोर्ट ये तय करेगा कि अंतरिम रोक को लेकर सुनवाई कब शुरू की जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस बोबड़े ने कहा, आरक्षण का असल मकसद सभी वर्गों को अवसरों में समानता देना था, लेकिन ये तय सीमा से ज्यादा आरक्षण समान अवसर मिलने के सिद्धांत के ही खिलाफ जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने आरक्षण पर रोक लगाने की मांग करते हुए दलील दी है कि सरकार का ये फैसला संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। ये इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।